सो हेलो गाइज, कैसे हो? सर आशा करता हूँ बहुत ही मस्त हो गए। सो गाइज, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि आप पिक्सआर्ट ऐप का यूज करके कुछ इस टाइप का डुअल फोटो एडिटिंग कैसे कर पाओगे। सो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनने वाला है, वीडियो को जल्दी से कर देना के लाइक। अगर इस चैनल पर आप नए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। गाइज, आप लोगों से मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक ने मेरे इंस्टाग्राम आईडी को भी नहीं फॉलो किया तो क्या करो यार, जाओ इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो कर लो, लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए वीडियो कहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, ये वाला बैकग्राउंड का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है? वीडियो देखने के बाद डाउनलोड कर लेना। सो आप लोग को इस वाला बैकग्राउंड को पिक्सआर्ट ऐप के अंदर ओपन कर लेना है। बैकग्राउंड पिक्सआर्ट ऐप के अंदर ओपन होते ही कुछ इस टाइप का आप लोग को इंटरफेस देखने को मिलेगा। सो आप लोग को फर्स्ट नंबर स्टेप में आप लोग मॉडल को कर लेना है ऐड, ठीक है? तो मैं यहाँ पे सिंपली ऐड फोटो के अंदर कर लेता हूँ क्लिक। क्लिक करने के बाद हमारा मॉडल को कर लूँगा ऐड, तो मैं यहाँ पे ये वाला मॉडल को कर लेता हूँ ऐड। ऐड करने के बाद आते इसका बैकग्राउंड को इरेज कर लेना, ठीक है? तो मैं यहाँ पे ये वाला बैकग्राउंड को इरेज कर लूँगा। सो इरेज करने के लिए आप लोग तो जानते हैं, हम लोग कटआउट टूल पे कर देंगे क्लिक। एंड कटआउट टूल पे क्लिक करने के बाद आप लोग कुछ आउटलाइन पे क्लिक करके कुछ इस टाइप से आप लोग को सिलेक्ट कर लेना है अपना मॉडल को, ठीक है? गाइस, इस टाइप से आप लोग को मैनुअली सेलेक्ट करने के बाद आप लोग को सिंपली सेव वाला आइकन पे क्लिक कर लेना है। एंड गाइस, देख सकते हैं ये वाला मॉडल का बैकग्राउंड यहाँ पे इरेज हो गया, ठीक है? सो आप लोग को सिंपली धीरे से अच्छे से बैकग्राउंड को इरेज कर लेना है। एंड आप लोग को सिंपली मॉडल के ऊपर कर देना है क्लिक। एंड क्लिक करने के बाद आप लोग को इस वाला आइकन पे क्लिक कर लेना है। एंड इस वाला आइकन पे क्लिक करने के बाद आप लोग को यहाँ पे एक मॉडल का डुप्लीकेट बनाना है, ठीक है? तो मैं यहाँ पे सिंपली डुप्लीकेट पे कर देता हूँ क्लिक। एंड क्लिक करने के बाद गाइस, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे मॉडल यहाँ पे दो बन गया, ठीक है? एक डुप्लीकेट बन गया। सो मैं यहाँ पे ऊपर वाला मॉडल को सिलेक्ट कर लेता हूँ, एक फ़ोटो को बड़ा कर लूँगा, ठीक है? जो ऊपर की तरफ रहेगा उसको हम बड़ा कर लेंगे। सो इस टाइप से बड़ा करने के बाद आप लोग को सिंपल इरेजर पर क्लिक कर लेना है। तो मैं यहाँ पे इरेजर पर क्लिक कर लेता हूँ। इरेजर पर क्लिक करने के बाद आप लोग को सिंपल इरेज पर क्लिक कर लेना है। एंड इसका ओपेसिटी को कम करके एंड इसका साइज वगैरह एडजस्ट करके, ठीक है? इसका साइज वगैरह से एडजस्ट करके आप लोग कुछ इस तरह से इरेज कर लेना है। इरेज करने के बाद कुछ इस टाइप से इरेज करने के बाद आप लोग सिंपली राइट वाला आइकन पे कर देना है क्लिक। क्लिक करने के बाद आप लोग को सिलेक्ट कर लेना है। ये वाला फोटो को सिलेक्ट करने के बाद आप लोग यहाँ पे नीचे रख देना है, ठीक है? कुछ इस टाइप से नीचे के और रखने के बाद आप लोग सिंपली फिर से आप लोग का यहाँ पे ए वाला फोटो को सिलेक्ट फिर से आप लोग सिलेक्ट कर लेना। एंड सिलेक्ट करने के बाद आप लोग को इसका इस वाला आइकन पे क्लिक करके यहाँ पे फिर से एक डुप्लीकेट बना लेना है, ठीक है? तो मैं यहाँ पे फिर से एक डुप्लीकेट बना लेता हूँ। एंड एक डुप्लीकेट को मैं यहाँ पे ले आता हूँ, उसके बाद हम लोग यहाँ पे रोटेट कर लेता हूँ। यहाँ पे नीचे को ले आने के बाद घुमा के नीचे को ले आने के बाद कुछ इस टाइप से हम लोग एक शैडो बना लेंगे। एंड यहाँ पे हम लोग शैडो बनाने के लिए ए वाला आइकन पे क्लिक कर लेंगे। एंड हम लोग यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे थोड़ा सा, ठीक है? एडजस्ट करने के बाद आप लोग यहाँ पे सिंपली ओपेसिटी के अंदर कर देना है क्लिक। एंड ओपेसिटी के अंदर क्लिक करने के बाद आप लोग इसका ओपेसिटी को कम कर लेना जो ओरिजिनल शैडो लगे, ठीक है? सो मैं यहाँ पे इसका ओपेसिटी को रख दूंगा 35। रखने के बाद आप लोग सिंपली इस वाला आइकन पे क्लिक कर लेना है राइट वाला। एंड आप लोग को पूरा ये वाला फोटोग्राफी को डन कर लेना है। अगर आप लोग फेस को थोड़ा सा व्हाइट दिखाना चाहते हैं तो सिंपली आप लोग को टूल्स के अंदर क्लिक कर लेना है। टूल्स के अंदर क्लिक करने के बाद आप लोग को फिर से एडजस्ट पे क्लिक कर लेना है। एंड एडजस्ट पे क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पे फोटो को थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है? सो मैं यहाँ पे सिंपली यहाँ पे सैचुरेशन पे क्लिक कर लेता हूँ एंड सैचुरेशन को माइनस कर लेता हूँ। माइनस करने के बाद हम लोग जाएंगे यहाँ पे ब्राइटनेस पे, ब्राइटनेस को थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ 3, ठीक है? उसके बाद बढ़ाने के बाद आप लोग सिंपल इरेजर पे क्लिक कर लेना है। एंड इरेजर पे क्लिक करने के बाद आप लोग पूरा इस वाला आइकन पे क्लिक करके इरेज कर लेना है। एंड पूरा इरेज करने के बाद आप लोग जहाँ कहीं भी मतलब कि व्हाइट करना चाहते हो वहाँ पे आप लोग ब्रश कर लेना कुछ इस टाइप से। इस टाइप से आप लोग ड्रॉ करने के बाद आप लोग सिंपली राइट वाला आइकन पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आप उसको फिर से राइट कर लेना है।
एंड राइट करने के बाद आप लोगों को फोटो में थोड़ा सा विग्नेट डाल देना है, ठीक है। तो सिंपली विग्नेट के लिए आप लोगों को सिंपली इफेक्ट अंदर क्लिक कर लेना है। इफेक्ट अंदर क्लिक करने के बाद आप लोगों को सिंपली एफएक्स पे क्लिक कर लेना है। एफएक्स पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को सिंपली लास्ट कवर जाना है, ठीक है। लास्ट कवर जाके आप लोगों को लेमो ढूंढ लेना है सो मैप पे। आप लोगों को सिंपली लेमो पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। लेमो पे क्लिक करने के बाद इसके अमाउंट को कर देना है 0 एंड इसका विग्नेट को आप लोग थोड़ा सा रख लेना है जो 30 31। रखने के बाद आप लोग को राइट कर लेना है। एंड गाइस देख सकते हैं यहाँ पे फोटो, यहाँ पे कितना ओरिजिनल वाला डुअल फोटो लग रहा है। सो यहाँ पे हमारा फोटो हो गया कंप्लीट। सो गाइस इस फोटो का आप लोग को यहाँ पे फेस को स्मूथ कर लेना है। अगर आप लोग को फेस स्मूथ करना नहीं आता तो मैं एक फेस स्मूथ के बारे में एक अलग से वीडियो बना के रखा हूँ, उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। वो वीडियो देख के आप लोग अच्छे तरीके से फेस स्मूथ कर लेना है। सो यहाँ पे फोटो हो गया हमारा कंप्लीट, तो फोटो को कर लेता हूँ सेव। सेव करने के लिए आप लोग को सिंपली ड्रॉ टूल का अंदर कर देना है क्लिक। ड्रॉ टूल के अंदर क्लिक करने के बाद आप लोग को फिर से ड्रॉ पे अंदर क्लिक कर लेना है। एंड ड्रॉ का अंदर क्लिक करने के बाद आप लोग को यहाँ पे 3 डॉट का अंदर क्लिक करके यहाँ पे कर देना है सेव इमेज। सो यहाँ पे फोटो फाइनली हो गया यहाँ पे गैलरी के अंदर सेव। सो गाइस वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट के बताना। आई होप कि वीडियो आप लोग को बहुत ही पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो कर देना एक लाइक, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना। गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।